हेलो गाइस, वेलकम टू एफटी क्लासेस। दोस्तों, हमने प्रीवियस क्लास में फैशन के बारे में पढ़ा था, उस पर एक छोटी सी झलक डाली थी। आज के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये इंटरेस्टिंग वर्ड छोटा सा है, डिज़ाइन। आज हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि डिज़ाइन क्या है। व्हाट इज़ डिज़ाइन? डिज़ाइन मीन्स एक खूबसूरत सा बनावट या रचना जो सबके मन में या दिमाग में होता है, और ये डिज़ाइन वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, पर बेसिक हमेशा सेम होता है। ये बात तो सही है, वक्त के साथ साथ डिज़ाइन बदलता है, बदलता था और बदलता रहेगा। अब हम जानेंगे डिज़ाइन की हिंदी। डिज़ाइन की हिंदी क्या होती है? डिज़ाइन की हिंदी लोग अपने अपने विचार से अलग अलग बताते हैं। जैसे कुछ लोग इसे रचना, बनावट, रूपरेखा, ड्राफ्ट, खाका, रेखा चित्र आदि कह सकते हैं। जैसे डिज़ाइन की हिंदी होती है, उसी प्रकार से डिज़ाइन की सिमिलर मीनिंग भी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार है: क्रिएशन, फॉर्मेशन, टेक्सचर, काउंटर, फिगरेशन, ड्राफ्ट, ईटीसी। अब हम बात करेंगे डिज़ाइन के प्रकार के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिज़ाइन? डिज़ाइन हमेशा दो तरह के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो तरह के। इसमें इफ, बट, लेकिन कुछ नहीं आता। ये कंफर्म है कि डिज़ाइन हमेशा दो प्रकार के ही होते हैं। पहला होता है एस्थेटिक डिज़ाइन या फॉर्म डिज़ाइन, सेकेंड यूजेबिलिटी डिज़ाइन या फंक्शनल डिज़ाइन। अब हम बात करेंगे एस्थेटिक डिज़ाइन कितने प्रकार के होते हैं। एस्थेटिक डिज़ाइन दो प्रकार के होते हैं, पहला फैशन डिज़ाइनर, दूसरा इंटीरियर डिज़ाइनर। उसी प्रकार से यूजेबिलिटी डिज़ाइन चार प्रकार के होते हैं, पहला यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर जिसे हम यूआई कहते हैं, सेकंड ग्राफिक डिज़ाइनर, थर्ड प्रोडक्ट डिज़ाइनर, फोर्थ यूजर एक्सपीरियंस डिज़ाइनर जिसे हम यूई भी कहते हैं। अब हम जानेंगे एस्थेटिक की हिंदी क्या होती है। एस्थेटिक की हिंदी सौंदर्य शास्त्र होती है, ठीक उसी फंक्शनल डिज़ाइन की फंक्शनल की हिंदी हमारी कार्यात्मक होती है। अब हम बात करते हैं एस्थेटिक डिज़ाइन की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एडी भी कह सकते हैं। एडी यानी एस्थेटिक डिज़ाइन, ये किसी फॉर्म में होता है या यूँ कह लें ये किसी पैटर्न को फॉलो करता है। जिस डिज़ाइन को हमें देख के खुशी मिले या मन खुश हो जाए उसे हम एस्थेटिक डिज़ाइन या एडी कहते हैं। जैसे घर में लगे पर्दे की डिज़ाइन, मोबाइल या कैमरे से ली गई फ़ोटो, या टी शर्ट पर बनी डिज़ाइन, या हाथों में सुंदर रची हुई मेहंदी की डिज़ाइन। अब हम बात करेंगे एफटी डिज़ाइन मीन्स फंक्शनल डिज़ाइन। एफटी डिज़ाइन हमें इंट्रैक्ट भी करता है और साथ ही साथ यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। जैसे बाइक, एरोप्लेन, कार, मोबाइल, ईटीसी, जो हमारे प्रॉब्लम को तो सॉल्व करते ही हैं, साथ साथ में ये सुंदर और आकर्षक दिखती हैं। जैसे कार का डैशबोर्ड, बाइक का डैशबोर्ड, ये सुंदर होते हैं, एट्रैक्टिव होते हैं और ये हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, कार डैशबोर्ड। कार का जो डैशबोर्ड होता है वो कलर कम्बिनेशन भी अच्छा होता है, यूजुअली भी अच्छा होता है और यहाँ पर यूजर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। यहाँ पर कार के फंक्शनली प्रॉपर दर्शा रहा है थ्रू द आइकन कि पेट्रोल कम है या इमरजेंसी है या सीट बेल्ट नहीं है या फिर एबीएस एक्टिव है या कार ऑन है, सब आपको थ्रू आइकन द्वारा पता चल रही है। ये डिज़ाइन भी अच्छा है और यूजर भी इससे इंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। ये होता है यूजेबिलिटी या फंक्शनल डिज़ाइन। आई होप आज
आज का क्लास आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।